हेलो स्टूडेंट, एचडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है 2024 में वह कब तक आने वाला है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स लाना होगा और साथ में आपको एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सभी का कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है सीजी व्यापम के द्वारा। इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो 12 पास आउट हैं, ओके और ये कंपलसरी होता है कि वो बायो से 12 किए हों, चाहे वो पीसीवी हो या पीसीएमबी हो, बायोलॉजी होना कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और आपकी मिनिमम आयु जो है वह 17 इयर्स होना चाहिए। यह एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होता है, ओके और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस क्या रहता है? तो इसके सिलेबस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ओके जिसमें से फिजिक्स में आपका 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी में भी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश ग्रामर 20 क्वेश्चन, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 20 क्वेश्चन। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स का, ओके ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 11th और 12th बेसिस का होता है और इंग्लिश ग्रामर 10th बेसिक का ही रहता है। और इसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो बेसिक पूछा जाता है क्योंकि आप लोग फर्स्ट बार नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, ओके तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लेने से एग्ज़ाम निकल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आप लोग को ध्यान देना है क्योंकि इसका जो कट ऑफ होता है वो 60% प्लस मार्क्स होता है, ओके 60% प्लस होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब हम बात करते हैं 2024 में फॉर्म कब तक आएगा, ओके तो इसका जो फॉर्म है 2024 में मार्च मंथ तक आ जाएगा, ओके मे भी हो सकता है मार्च मंथ के लास्ट महीने तक भी चला जाए। और इसका एग्ज़ाम जो है फॉर्म निकलने के जस्ट 1 मंथ के अंदर ही हो जाता है। तो अगर आपका फॉर्म मार्च में आता है तो इसका जो एग्ज़ाम है वह अप्रैल में होगा। तो यदि मार्च में फॉर्म आता है तो एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि फॉर्म निकालने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत करना, चूँकि फॉर्म निकलने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा तैयारी करने का। तो अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो स्टूडेंट अभी से तैयारी में लग जाइए, ओके क्योंकि पिछले साल जितने भी स्टूडेंट हमारे ऐप से तैयारी किए थे उन सभी का सिलेक्शन हो गया है। इस साल भी कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है सफलता बैच। इसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है जिसमें आपका लाइव क्लास है, चैप्टर वाइज नोट, वीकली टेस्ट, डाउट, ट्यूशन सब भी कुछ करवाया जा रहा है मात्र 599 में, इसमें 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा आपको एक 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड भी शामिल रहेगा। इतना कंटेंट वो भी आपको 299 में ही दिया जाएगा। पिछले साल के एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। अगर आप
इस क्वेश्चन बैंक को लेके पढ़ते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़िए जिसका नाम है स्टडी मीडियम, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोर्स को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका कोर्स एक्टिवेट करा दिया जाएगा। तो सभी लोग जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो। ओके, तो आगे इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।